तो भैया वही हुआ जिस बात का अंदाज़ा हमको पहले ही से था कि भैया इससे पहले कि टाइगर और रश्मिका अपनी आने वाली अगली फिल्म स्क्रू ढीला का काम शुरू करेंगे, कि उससे पहले ही इस फिल्म को लेकर ये खबर हम लोगों के सामने आने लगेगी कि भैया बनाने दो इस फिल्म को, ये फिल्मों सिनेमा घर में जब आएगी ना तो बहुत बड़का डिजास्टर साबित होगी। अरे भाई फ्लॉप हो जाएगी, फ्लॉप। इस फिल्म को देखने के लिए ऑडियंस भी नहीं जाएगा। यानी कि भाई आज सुबह में जब इस फिल्म का ग्लिम्स हम लोगों के सामने आया, इस बात की जानकारी के साथ कि भैया ये जो फिल्म है वो करण जौहर बनाने वाले हैं और इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं वो नया डायरेक्टर, तो भाई उसी समय ये बात हम समझ गए थे कि अरे नरेंद्र अभी तो तुम इस फिल्म के ट्रेलर का ये जो ग्लिम्स आया उसका रिएक्शन बना रहा है, शाम होने दे, देख तुमको ये खबर मिल जाएगा कि ये फिल्म बहुत बड़का फ्लॉप होगा। और भाई शाम होते होते मेरा जो प्रेडिक्शन था ना वो सही साबित हो गया। यानी कि भैया उन लोगों ने मुझे निराश नहीं किया है जिनको लेकर मैं ये सोच रहा था कि भैया शाम होते होते ये लोग मुझे ये बात समझा देंगे कि भाई ये फिल्म फ्लॉप होने वाली है। और इस कदर ये बात हम लोगों को समझाई जाएगी कि भैया इसको देखने के बाद इस फिल्म के मेकरवा जो है ना वो ऐसे माथा पकड़ लेंगे और बोलेंगे अरे ससुरा ये फिल्म तो अभी तक हम लोग शुरू नहीं किए हैं कि उससे पहले ही इस फिल्म को फ्लॉप कर दिया, तो अरे कहीं घाटे वाला सौदा तो नहीं ना हो जाएगा, और बनाए कि नहीं ये फिल्म। ये सवाल इस फिल्म के मेकर एक दूसरे से पूछते नजर आएंगे। और भाई ये माहौल बन चुका है इस फिल्म के लिए, तो क्या ये फिल्म बनेगी कि नहीं बनेगी? अगर बनेगी तो भैया इस फिल्म में क्या ऐसी कमी नहीं होनी चाहिए जिसके लिए लोग अपना आवाज़ ना उठा पाए? चलिए समझने की कोशिश करते हैं कुछ वैलिड पॉइंट्स से, जो कि भैया मुझे पहले से पता था और मैं चाह रहा था कि ऑडियंस इस पर अपनी आवाज़ जरूर उठाएं। तो भाई वो वैलिड पॉइंट्स कौन से हैं चलिए मैं आपको बताते हैं एक छोटे से रिएक्शन से, भैया थोड़ा सा झेल लीजिएगा हमको। तो दोस्तों दिल से एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि भैया आज आप लोगों ने मेरा दिल पूरी तरीके से जीत लिया। यानी कि भाई आज सुबह में जब इस फिल्म का ग्लिम्स हम लोगों के सामने आया इस बात की जानकारी के साथ में कि भैया शशांक खेसान इस फिल्म को बनाने वाले हैं और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं करण जौहर और इस फिल्म में ये कलाकार नजर आएंगे, ये कहते हुए जब ये ग्लिम्स हम लोगों के सामने आया तो इस ग्लिम्स को देखते हुए जो सबसे पहला ख्याल मेरे दिमाग में आया था कि भैया ये जो टाइगर की फिल्म बनाने वाले जो डायरेक्टर हैं वो क्या टाइगर को बस एक सिमिलर एक्शन करने वाला हीरो समझ लिए हैं क्या? यानी कि भैया इस ग्लिम्स में जो एक्शन टाइगर ने दिखाया वो हम लोगों ने उनकी हर एक फिल्म में कई बार देखा। यानी भैया वो फ्लिप करके जिस तरीके से गुंडों की पिटाई करते हैं या फिर वो एक राउंड किक मारते हैं वो हम लोगों ने उनकी हर एक फिल्म में देखा है, और उनका जो एक्सप्रेशन इस ग्लिम्स में हमें देखने को मिला है वो हम लोगों ने अमूमन उनकी बाकी सारी फिल्मों में देखा है जो कि उनकी एक्शन मूवीज़ हैं। यानी कि भैया ये बात मुझे उसी वक्त बहुत ही कचोट रही थी कि भैया इतनी बड़ी गलती इस ग्लिम्स में ये लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भैया इसको देखने के बाद लोगों की याददाश्त जो होगी ना वो ताज़ा हो जाएगी बागी के लिए, हीरोपंती के लिए, उसके बाद में मुन्ना माइकल के लिए, और उसके बाद उनकी जो फ्लाइंग जेट थी, हाँ फ्लाइंग जेट, उसके लिए भी भैया ताज़ा हो जाएगी। यानी भैया ये जो एक्शन इस ग्लिम्स में हमें देखने को मिल रहा है ऑलरेडी ऑडियंस ने टाइगर की हर एक फिल्म में ऐसा ही एक्शन देखा है, तो भाई इस फिल्म में अलग क्या होगा? अगर अलग नहीं होगा, ऐसा ही सब कुछ होगा, तो भैया ये फिल्म लोगों को उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी एक्शन वाइज। ये सवाल मेरे दिमाग में उस वक्त उठा था, लेकिन वहाँ पर मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि भैया ये जो ग्लिम्स तैयार किया गया है ये केवल लोगों को ये जानकारी देने के लिए तैयार किया गया है कि भाई करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस तहत एक ऐसी फिल्म बनने वाली है जिसमें नज़र आने वाले हैं भैया टाइगर श्रॉफ और उनके साथ नजर आएंगी रश्मिका मंदाना। यानी भैया जब ये ग्लिम्स हम लोगों के सामने आया तो उसमें ये बात आपने देखी थी ना कि भैया इस फिल्म की जो मुख्य अदाकारा हैं उनको इस ग्लिम्स में रिवील नहीं किया गया। तो भैया क्यों नहीं रिवील किया गया? तो भैया आने वाले दिनों में जब इसका दूसरा ग्लिम्स हम लोगों के सामने आएगा तो उसके माध्यम से रश्मिका मंदाना के चेहरे को रिवील किया जाएगा कि हाँ वो इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ के अपोजिट नजर आएंगी। यानी कि भैया मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो ग्लिम्स आज हम लोगों के सामने आया है वो इस फिल्म का हिस्सा होने वाला है ही नहीं, बस ये एक ऐसा ग्लिम्स बताया गया था ऑडियंस के लिए कि जिसको देखने के बाद जो टाइगर के फैंस हैं वो खुशी से झूम उठे कि भैया टाइगर की एक और एक्शन मूवी सिनेमाघर में आने वाली है। यानी कि भैया
जो बात मैं चाह रहा था कि ऑडियंस अपनी जुबान से कहे, वो बात आज ऑडियंस ने कहकर वाकई में इस फिल्म के मेकरों को ये संदेश दे दिया है कि भैया जो गलती आप लोगों ने इससे पहले टाइगर की फिल्मों में किया है वो गलती इस फिल्म के साथ दोहराना नहीं। यानी कि ऑडियंस ने ये बात साफ कर दी है कि भैया ऐसा एक्शन ऑलरेडी टाइगर अपनी हर फिल्म में करते हैं, उनका जो एक्सप्रेशन इस सिक्वेंस में हमें देखने को मिला है वो सिमिलर है उनकी बाकी फिल्मों की तरह। और भाई इस ग्लिम्स में जो लुक हमें देखने को मिला है टाइगर का वो भी पूरी तरीके से सिमिलर है। यानी भैया आज तक टाइगर की जितनी भी फिल्में सिनेमाघर में रिलीज हुई है उसमें उनका अमूमन लुक ऐसा ही है। यानी कि भाई लुक को भी लेकर लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई है और ये आवाज़ उठानी बहुत ही ज़रूरी थी। दोस्तों एक वक्त बॉलीवुड में ऐसा था कि भैया बॉलीवुड की आने वाली हर एक फिल्म में उस फिल्म के मुख्य कलाकारों के लुक पर काफ़ी काम किया जाता था उस फिल्म के क्रिएटिव टीम की तरफ से, ताकि उस फिल्म में हमेशा कुछ नयापन देखने को मिले ऑडियंस को। यानी कि भाई हम लोगों ने अमिताभ बच्चन की भी बहुत सारी फिल्में देखी हैं, राजेश खन्ना की भी हम लोगों ने कई सारी फिल्में देखी है, विनोद खन्ना की भी कई सारी फिल्में देखी है, उसके बाद में शाहरुख खान की भी हम लोगों ने कई सारी फिल्में देखी, अक्षय कुमार की भी कई सारी फिल्में देखी है। तो भाई हम लोगों ने पहले ये बात देखा था कि भैया हर एक फिल्म में इन कलाकारों के लुक पर थोड़ा सा काम किया जाता था से कुछ नयापन हर फिल्म में देखने को मिलता था, लेकिन ये काम जो है वो इन दिनों बॉलीवुड की फिल्मों में हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और भाई बॉलीवुड की फिल्मों की एक और सबसे बड़ी खासियत होती थी कि भैया बॉलीवुड की फिल्मों में नजर आने वाले जो विलेन होते थे वो अपने कई सारे अलग अलग गेटअप की मदद से लोगों को डराते थे, दहलाते थे मेरे भाई। उसका उदाहरण अगर मैं आप लोगों के सामने रखूं तो भैया अमरीश पुरी साहब, उसके बाद में गुलशन ग्रोवर साहब, उसके बाद में प्राण साहब, इन लोगों ने ऐसे ऐसे रोल निभाए हैं अलग अलग गेटअप के माध्यम से जो कि लोगों के आज भी दिलो दिमाग में कायम है। तो भाई लुक पर भी इस फिल्म के मेकरों को काम करना चाहिए, इसको लेकर आज संकेत दिया है ऑडियंस ने इस फिल्म के मेकरों को कि भैया अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो आपको इस पर काम करना पड़ेगा। उसके बाद भैया इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ हैं तो भैया इसका मतलब यह नहीं है कि भैया आप कोई नॉर्मल कहानी को एक एक्शन तड़के के माध्यम से लोगों के सामने पड़ोसने की कोशिश मत करना, क्योंकि इससे पहले टाइगर की फिल्में जो आई हैं सिनेमाघरों में वो नॉर्मल स्टोरीज के साथ ही सिनेमाघरों में आई है, जो कि कुछ अलग फील ऑडियंस को नहीं दे पाई। यानी कि भाई अगर हम लोग बात करें बागी की तो भैया बागी की भी कहानी ऐसी ही लगती है जैसे कि हम हीरोपंती को देख रहे हैं, यानी कि भैया कोई अलग फ्लेवर था ही नहीं। तो भैया यहाँ पर ऑडियंस ने ये बात भी उठाई अपने तरफ से कि भैया इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जिससे लोगों का ध्यान इस फिल्म की तरफ आकर्षित हो और टाइगर को कुछ अलग करके दिखाने का मौका मिले। ये भी एक अच्छा और बहुत ही वैलिड पॉइंट है जिस पर इस फिल्म के मेकरों को सोचना चाहिए। यानी कि भैया आज के ऑडियंस की सोच को देखने के बाद मैं ये बात आप लोगों को दिल से कहना चाहूँगा कि भाई वाकई में ऑडियंस ने जो पॉइंट्स रखे हैं अपने कमेंट के माध्यम से उस पर बॉलीवुड के मेकरों को अब काम करना चाहिए। यानी कि भैया आप यूं ही अब बेवकूफ नहीं बना सकते हो ऑडियंस को फिल्मों में भैया बड़े बड़े कलाकारों के चेहरों को दिखाकर। यानी भैया एक वक्त ऐसा होता था कि भैया बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकारों के चेहरों को दिखाकर फिल्मों को 3 से 4 दिनों में हिट बना दिया जाता था, वो फिल्में जो आकर बॉक्स ऑफिस पर 200 से 150 करोड़ का बिजनेस 4 से 5 दिन में कर लेती थी, और भाई 4 से 5 दिनों के बाद में उस फिल्म की हालत ऐसी होती थी कि ऑडियंस ये कहते हुए नहीं थकती थी कि भैया क्या फिल्म इन लोगों ने बनाया है। तो भाई आज का जमाना कंपटीशन का है, क्योंकि भैया आपका कंपटीशन किसके साथ हो रहा है, जिसको आज तक आप लोगों ने भैया रीजनल और छोटी इंडस्ट्री बताकर छोटा बताने का कोशिश किया और उनकी ही फिल्मों का रीमेक बना बनाकर भैया हिंदी बेल्ट के ऑडियंस से अच्छा खासा मुनाफा कमाया। तो भाई अब ऑडियंस को वो फ्लेवर जो कि भैया आप रीमेक के माध्यम से ऑडियंस के सामने, यानी कि भैया हिंदी ऑडियंस के सामने परोस रहे थे, वो फ्लेवर अब ओरिजिनल डबिंग के माध्यम से आने लगी है। तो भैया ऑडियंस ये बात कह रही है कि भाई हम चाहे सलमान की फिल्म देखें, शाहरुख की फिल्म देखें, अक्षय की फिल्म देखें, अजय की देखें, या फिर रामचरण की देखें, अल्लू अर्जुन की देखें, या फिर साउथ के बड़े बड़े कलाकारों की फिल्में देखें, अगर भैया साउथ के बड़े बड़े कलाकारों की फिल्मों में अगर हमें कोई अच्छा कंटेंट, अच्छी कहानी, अच्छा मेकिंग देखने को मिलता है तो भैया आप में क्या अलग पड़ा है, हमें तो इंटरटेनमेंट से मतलब है। तो भाई जहाँ इंटरटेनमेंट अच्छा होगा वहाँ ऑडियंस जाएगी, और भाई इसी बात पर आज पॉइंट आउट किया गया है ऑडियंस की तरफ से कि भैया इस पॉइंट पर बॉलीवुड के बड़े बड़े मेकरों को काम करना पड़ेगा, तभी वो सर्वाइव कर सकेंगे भाई आने वाले दिनों में फिल्म इंडस्ट्री में। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वर्क जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को
जोर दबाइएगा।